Hi dear students, welcome to Business Studies class. So today we are discussing about what is a PPP, that is this is the last topic from Private Public and Global Enterprise. So we are after the completion of this topic, the chapter number 3, Private Public and Global Enterprise, it is completed. Okay. So in today's topic we are going to discuss about what do you mean PPP, that is Private Public Partnership. You can call PPP or PPP. You can call PPP or P3 because 3 times P is there, no? So first we indicate private, second we indicate public, and third we indicate partnership. Okay. So already we know the things about what is a private, what is a public, and what is mean partnership. So both 3 meaning of word is combined within the PPP. So in last video we are discussing about the joint venture. So in joint venture we told that two or more companies are joined together for their mutual benefits. Okay. So here maybe the company may comes from the private sector, it may be from the public sector. So it can be anything. If private and public companies are joined together for their mutual benefit purpose, such kind of venture, such kind of joint venture is known as a public-private partnership. So it is an enhanced part of joint venture. Okay. See, हमने देखा है last video में हमने discuss किया है कि joint venture का मतलब क्या है. वहाँ पे मैंने बताया है कि public company और private company भी एक दूसरे के साथ project बना सकती है, एक दूसरे के साथ contract करके काम कर सकती है. वही पार्ट है जॉइंट वेंचर का, थोड़ा एडवांस पार्ट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. अभी इन तीनों वर्ड का आपको मीनिंग पता है, पब्लिक का मतलब प्राइवेट का मतलब पता है, पब्लिक का मतलब पता है, पार्टनरशिप का मतलब पता है. सो प्राइवेट का मतलब जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो ओनर प्राइवेट ओनर रहता है, अदरवाइज बिजनेस इट इज ओन बाय इंडिविजुअल पर्सन और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. मतलब एक आदमी है तो एक थोड़े लोग मिलकर उनका खुद का बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे कोई भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहता, दैट इज द प्राइवेट सेक्टर. पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या है, बिजनेस ओन्ड बाय गवर्नमेंट. सो जिस भी बिजनेस का ओनर उसका मालिक कौन है, गवर्नमेंट है, उस बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, पब्लिक. अभी प्राइवेट मतलब एक अकेला आदमी बिजनेस कर रहा है तो कोई तो प्राइवेट ग्रुप बिजनेस कर रहा है, वो ग्रुप और गवर्नमेंट दोनों मिलके पार्टनरशिप कर रहे हैं. पार्टनरशिप का मतलब क्या है, दो और दो से ज्यादा लोग आके उनके बेनिफिट के लिए काम करते हैं, उनका बिजनेस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप. सो पब्लिक मतलब एक गवर्नमेंट और एक कॉमन एंटरप्रेनर, एक कॉमन ओनर, एक कॉमन बिजनेसमैन आके और गवर्नमेंट दोनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, उस तरह के प्रोजेक्ट को हम क्या बोलते हैं, उस तरह के वेंचर को हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप. इसका ओनर प्राइवेट इंसान है, इसका ओनर गवर्नमेंट है और दोनों मिलके उनका काम कर रहे हैं. उसमें पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट का भी बेनिफिट है और उस प्राइवेट जो भी काम कर रहा है उसका भी बेनिफिट है. सो दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. ओके. So how we can define the thing? So relation between public and private enterprise in the context of infrastructure, very important concept. In the context of infrastructure and other services. So दोनों में क्यों क्यों काम कर रहे हैं, एक प्राइवेट लोग और पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, प्राइवेट इंसान है और गवर्नमेंट मिलकर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, उसमें दोनों का भी बेनिफिट है, दोनों का भी फायदा है. ये क्यों कर रहे हैं, डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए ये दोनों मिलकर काम करते हैं. अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, मे बी वाटर जनरेट हो, वाटर जनरेशन हुआ, नहीं तो लाइट जनरेशन हुआ. ओके. रोड, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, सो जो भी वेलफेयर एक्टिविटीज है, जो भी गवर्नमेंट वेलफेयर एक्टिविटीज इन लोगों को करना चाहते हैं, लोगों के लिए करना चाहता है, वो सभी वेलफेयर एक्टिविटीज इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं. मतलब पावर जनरेशन रहेगा, वाटर प्योरिफिकेशन और वेस्ट वाटर रिफाइनरी थिंग्स में भी देयर. ओके. सो लॉट ऑफ विच एवर
इम्पोर्टेंट और विच वेलफेयर थिंग्स आर देयर फॉर द सोसाइटी, जो भी काम समाज के लोगों के हित में हो, समाज के लोगों के लिए बेनिफिट हो, वो काम करने के लिए, वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप मिलकर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। दैट इज द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मेन मोटो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, मतलब रोड बनाने के लिए भी, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल बिल्डिंग रहेगा, नहीं तो स्कूल बिल्डिंग रहेगा, पावर जनरेशन रहेगा। सो कुछ भी चीज़ें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए लगती है, वो दोनों मिलकर करते हैं। सो पब्लिक पार्टनर में कौन कौन इंक्लूड होता है? पब्लिक पार्टनर में मिनिस्ट्री, मतलब जो भी मंत्री हो गए, मिनिस्ट्री इंक्लूड रहते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंक्लूड रहता है, म्यूनसिपलिटी और ग्राम पंचायत होते हैं, उनमें भी इंक्लूड भी दी था पब्लिक पार्टनर। प्राइवेट पार्टनर में कौन कौन इंक्लूड रहता है? इन्वेस्टर, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, करने वाले उस प्रोजेक्ट में। टेक्निकल एक्सपर्टीज, टेक्निकल मतलब वो काम करने के लिए, अभी बिल्डिंग बनाना है और एक हॉस्पिटल बनाना है, गवर्नमेंट की तरफ से हॉस्पिटल बनाने के लिए परमिशन दिया है, तो हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन करने के लिए, हॉस्पिटल बनवाने के लिए इंजीनियर चाहिए। सो इंजीनियर में भी थे एक्सपर्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट भी देते थे। ओके, एनजीओस, दैट इज अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सो एनजीओस भी इंक्लूड होती है प्राइवेट पार्टनर। सो लास्ट कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप? प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक तो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, मतलब प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर के दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट रहता है। क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली रहता है? कि एक दूसरे के साथ वो खुद का स्किल यूज करेंगे उस काम में, खुद का एक्सपीरियंस यूज करेंगे उस काम में। ओके, जो भी एक्सपर्ट रहेंगे उस काम में वो खुद करेंगे, मतलब जो भी चीज़ें लगने वाली है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट बनाने के लिए। अभी देखो, एक हॉस्पिटल बनाना है, एक हॉस्पिटल बनवाना है, तो हॉस्पिटल बनवाने के लिए क्या क्या कंस्ट्रक्शन चीज़ें चाहिए? गवर्नमेंट परमिशन देता है हॉस्पिटल बनाने के लिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाने के लिए गवर्नमेंट परमिशन देता है, गवर्नमेंट जगह देती है हॉस्पिटल बनाने के लिए, और पैसा, जो भी पैसा रखने वाला है उस हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन के लिए गवर्नमेंट देता है। अभी वहाँ पे काम करने के लिए इंजीनियर चाहिए, वर्कर चाहिए, वो सभी अरेंजमेंट प्राइवेट सेक्टर करता है। प्राइवेट मतलब अभी गवर्नमेंट ने एक प्राइवेट इंजीनियर को एक प्रोजेक्ट दिया कंप्लीट करने के लिए, तो प्राइवेट इंजीनियर जो भी चीज़ें कंस्ट्रक्शन करने के लिए, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन करना रहेगा, मेट्रो में भी जो रोड कंस्ट्रक्शन करना रहेगा, तो कुछ भी कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो भी चीज़ें लगती है वो दोनों मिलकर कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं कि हम क्या देंगे उस प्रोजेक्ट के लिए, आपका क्या दोगे वो प्रोजेक्ट कम्प्लीट करने के लिए। सो मोस्टली गवर्नमेंट इट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड द स्पेस, जगह देती है, और पैसा, जो भी पैसा लगने वाला है, और डॉक्यूमेंटेशन, ये सभी काम गवर्नमेंट करता है, और बनवाने के लिए जो भी चीज़ें लगती है वो सभी प्राइवेट सेक्टर कंप्लीट। नेक्स्ट, स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं, व्हाट एवर द कॉन्ट्रैक्ट मेड बिटवीन अ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट एंटरप्रेनर और पब्लिक एंटरप्रेनर, सो जो भी कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में बनना है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए रहता है, थोड़े दिन के लिए रहता है। मतलब अभी हॉस्पिटल बनवा के कंप्लीट हुआ तो उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं, सिर्फ उस काम के लिए, वो हॉस्पिटल बनवाने के लिए वो दोनों दे आर गेटिंग टुगेदर टू कंस्ट्रक्ट दैट हॉस्पिटल। वो खत्म होने के बाद आपका और प्राइवेट और पब्लिक का कुछ भी रिलेशन नहीं, आपने हॉस्पिटल बनवाया, आपके पैसे आपको मिले, काम खत्म। रोड का कंस्ट्रक्शन है, रोड बनवाने के बाद आपका कोई भी रिलेशन नहीं है। सो कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट एवर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, इट इज अप टू द एंड ऑफ दैट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद उसके बाद उन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, उन दोनों में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नहीं तो 2-3 साल के ऐसे स्पेसिफिक टाइम पीरियड वहाँ पे लिखा जाता है कि उसके बाद हमारा कोई भी रिलेशन नहीं है, वो प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद मामला खत्म। नेक्स्ट, सुटेबल फॉर हाई प्रायोरिटी प्लान पब्लिक बेनिफिट प्रोजेक्ट। सो किस काम के लिए प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप सुटेबल रहते हैं? जो भी हाई प्रायोरिटी, मतलब जिस भी चीज, जो भी काम है, जो भी प्रोजेक्ट है वहाँ पे इट इज हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट, वो काम अच्छा ही होना चाहिए, वहाँ पे कोई भी बिजनेस नहीं होना चाहिए, वहाँ पे करप्शन कोई भी नहीं होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए, उस काम में पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होना चाहिए, और पब्लिक वेलफेयर लोगों के हित में जो भी हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। अभी हॉस्पिटल किसके लिए बनाते हैं? लोगों के लिए बनाते हैं। रोड किसके
के लिए बनाते हैं, लोगों के लिए बनाते हैं। सो पब्लिक वेलफेयर का जो भी प्रोजेक्ट है, मोस्टली उस वेलफेयर प्रोजेक्ट में पब्लिक, प्राइवेट एंड पब्लिक एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप बनाते हैं। नेक्स्ट रिस्क शेयरिंग, अभी एक बिजनेस है और प्रोजेक्ट के काम है, मतलब रिस्क है, रिस्क मीन देयर मेक द मैक्सिमम चांसेस ऑफ टू गेटिंग द लॉसेस। ओके, सो कुछ भी इस चीज़ में लॉस होगा, अभी बिल्डिंग बनवा रहे हैं, हॉस्पिटल का बिल्डिंग बनवा रहे हैं और क्या हुआ, मे बी अर्थक्वेक हुआ, भूकंप हुआ, तो ये सभी कोलैप्स हो जाएगा, सभी टूट के पड़ेगा, तो कौन रिस्पॉन्सिबल, इतना सारा तो लॉस होगा ना, वो लॉस किसका होगा, गवर्नमेंट का भी लॉस होगा और जो काम कर रहा है इंजीनियर प्राइवेट ओनर उसका भी लॉस होगा। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू, और इस प्रोजेक्ट में जो भी इनकम मिलेगा, जो भी प्रॉफिट होगा, वो दोनों मिलकर शेयर करते हैं पब्लिक को, मतलब गवर्नमेंट को भी पैसा जाएगा और प्राइवेट को, जो जिसने भी काम किया है उसको भी पैसा जाएगा, और शेयरिंग रेशियो रहता है, मतलब अभी 10 रुपये आया है इस प्रोजेक्ट में से प्रॉफिट, तो इफ द रेशियो इट इज रेशियो में रहेगा, 50-50% का रेशियो रहेगा तो इसको आधा उसको आधा, मे बी 28% रहेगा तो इसको 2 रुपीज आएगा उसको 8 रुपीज जाएगा, सो वॉट एवर इट मे बी द रेशियो, वॉट इज द रेशियो अकॉर्डिंग टू दैट दे आर गोइंग टू शेयर। नेक्स्ट प्रोविजन ऑफ सब्सिडी, सो यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट रहता है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए सब्सिडीज रहती है, सब्सिडीज मीन्स कैपिटल सब्सिडी रहती है, मतलब जो भी काम रहता है गवर्नमेंट पैसा देता है, नहीं तो गवर्नमेंट या टैक्स जो भी लगता है उस प्रोजेक्ट में वो टैक्स दे करता है, मतलब टैक्स नहीं लगाता है, जो भी चीज़ें वो बिल्डिंग बनाने के लिए लगेगा, अभी हमें क्या क्या लगेगा, सीमेंट लगेगा, सॉइल लगेगा, मे बी मेटल्स लगेंगे, कुछ भी चीज़ें लगेगी, तो वो प्रोडक्ट परचेज करते वक्त हमें टैक्स लगता है, तो वो टैक्स गवर्नमेंट माफ़ करती है, वहाँ पर दैट इज अ टैक्स ब्रेक करता है, तो जो भी चीज़ें इस चीज़ में लगने वाली है वहाँ पर टैक्स, जो भी प्रोडक्ट लाने वाले हैं, जो भी रॉ मटेरियल लाने वाले हैं, उसके ऊपर जो भी टैक्स रहेगा वो गवर्नमेंट नहीं लगेगी। सेकेंड सब्सिडी, सब्सिडी अदरवाइज का फिक्स्ड वॉलंटरी रेवेन्यू देते, मतलब आपको पर ईयर उस प्रोजेक्ट में बेनिफिट हो या लॉस हो, उस प्रोजेक्ट में प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर अमाउंट पर ईयर उस प्राइवेट लोगों को दे रही है। अब एग्जाम्पल ले लो, जो भी तुम्हारा NH4 हाईवे है बेंगलोर टू पुणे, ओके, NH4 हाईवे है, दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल फॉर अ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, मतलब गवर्नमेंट ने वो प्रोजेक्ट बनाया है तो पुंज लौट को प्राइवेट ओनर को, प्राइवेट एंटरप्राइज को उन्होंने प्रोजेक्ट दिया था पुंज लौट, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट था कि आफ्टर उसके बाद भी वो उस रोड का जो भी रिपेयरिंग थिंग्स है वो भी देखेंगे, अभी उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है तो उसके बाद उनका कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा। सो दिस इज द फीचर्स ऑफ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। सो आई होप यू गॉट द क्लियर कंसेप्ट अबाउट व्हाट इज प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। सो हियर यू आर चैप्टर नंबर 3, दैट इज private public and global enterprise, it is completed. Suppose if you have any doubt we will clarify your doubt within the live class. So thank you so much, bye, take care, we will meet in next video with the next chapter, thank you.